हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले बिल्कुल ढाबा स्टाइल में पालक एग करी, जिसे बनाना बहुत ही आसानी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप भी इस कड़कड़ाती ठंड में एक बार पालक एग करी जरूर बना के देखिए। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इसे बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको सारे नॉनवेज इसके आगे फेल लगेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल पालक एग करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम फ्रेश पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 5 एग लिया है, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल करके इसे छील लिया है। अब हम सबसे पहले एग के बीच में इस तरह से कट्स लगाएंगे। अब हम पालक का प्यूरी रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम पालक को एक मिक्सर के जार में ऐड कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे। कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एग को डाल देंगे और हम एग को हाई फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए एग अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल के अलग रख लेंगे। अब हम इसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा साबुत जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 सूखी लाल मिर्च लिया है। अब हम खड़े मसाले को मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ ऑनियन ऐड करेंगे और हम ऑनियन को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम अदरक लहसुन का पेस्ट को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाएगा। देखिए 1 मिनट हो चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम टमाटर को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पालक का जो प्यूरी हमने बना के रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम पालक को मीडियम फ्लेम में 6-7 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें पालक को बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते रहना है, जिससे कि जो पालक है वो नीचे से चिपकेगा नहीं। देखिए पालक को पकते हुए 6-7 मिनट हो चुका है और पालक भी अच्छे से पक चुका है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम में हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, इससे कि पालक अंडा करी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में और पकने देंगे। देखिए 3-4 मिनट हो चुका है। घी भी पालक के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ एग ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम एग को पालक के साथ मीडियम फ्लेम में 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
देखिए एग को पालक के साथ फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा पानी ना डाले। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 1 सीटी आने तक पकने देंगे। देखिए इसमें 1 सीटी लग चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कुकर में अच्छे से प्रेशर भरने देंगे। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। देखिए कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। देखिए कितना बढ़िया ढाबा स्टाइल पालक एग करी बनकर रेडी हो चुका है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ढाबा जैसा पालक एग करी बनकर रेडी है। अब मैं आपको गर्मा गर्म पालक एग करी को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया ढाबा स्टाइल पालक एग करी बनकर रेडी हो चुका है। और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा, पुलाव किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इस कड़कड़ाते ठंड में एक बार ढाबा स्टाइल में पालक एग करी जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरीके से पालक एग करी बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको इसके आगे सारे नॉनवेज फेल लगने लगेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।